सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में रात को अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर लाखों के जेवरात सहित 15,000 रुपए लेकर चक्कर हो गए। घटना उस समय की है जब पूरा परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए चला गया था। जब वापस आके देखा तो सामान बिखरा हुआ पड़ा था। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के हुसैनपुर मोहल्ले का है, जहाँ पर साजन भाई अपने किसी रिश्तेदारी में विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पूरा परिवार ताला लगाकर बाहर गया हुआ था। तभी अज्ञात चोरों ने उनके घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं जब सुबह परिवार के साथ अपने घर आया तो देखा सभी सामान बिखरा हुआ पड़ा है। तभी अभी से होश उड़ गए और उसी समय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरी हुई वारदात को देखकर चोरी का खुलासा करने में जुट गई। आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। वही मकान मालिक व मालकिन ने बताया कि हम कल शादी समारोह में शामिल होने गए थे, जिसके बाद आज घर आए तो सामान बिखरा पड़ा था। हमारे यहाँ लगभग 15,000 रुपये व लाखों के सोने चांदी के जेवरात लेकर चोर चले गए हैं। हमने पुलिस को सूचना दे दी है, जाँच की जा रही है। घर में कल सुबह चले गए थे जो है शादी में, तो रात में कल 28 तारीख की रात में जो है चोरी हो गई है। 1 लाख का जेवर और 15,000 रुपये नगद रुपये चले गए। सूचना सुबह वही करीब 8 बजे 7 बजे के आसपास और पड़ोसी में भी कि ताला टूटा है तब पता चला कि है। जाँच करने अब दीवान जी अलीगंज चौकी आए हैं, वही देख के चले गए। कल हम लोग रात के शादी में चले गए थे सुबह, तो वही रात की चोरी हो गई। अब इतना तो हमें अंदाज़ा नहीं है। वैसे वो कह रहे हैं दो बजे के बाद ही हुई होगी, जो सामने रहते हैं माया पायलें चली गई, चैन और कान के बाले एक के ऊपर होगा कैश भाई 15,000 के आसपास। शादी में कल सुबह गए थे, आज सुबह आ गए, सब फैला पड़ा था जी, ताला टूटा था, तीनों ताले टूटे थे काफी। अभी आए थे जैसे एप्लीकेशन गए, उसके थोड़ी देर बाद आ गए। चोरी लगभग कितने बजे हुई? चोरी रात की हुई है। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।